Welcome to the channel Easy Trick of Computer Science students and as well as those students who learn something new in the new series of the software engineering, that is the software models, and that is the next part of the software models, part number 5, continuity with the rapid access models, pros and cons, and when we use that we learn into this tutorial. So the rapid application development model having some advantages, that is reduced development time and increased reusability of the components because of the stages of the rapid access model have been very very low, that like design, specification, development and evaluation, and after that it will be developed. और आपने देखा ही था कि कल के ट्यूटोरियल में जो हमने पढ़ा था उसमें प्रोसेस में ये चीज़ें देखने को मिली थी. सो उस वजह से डेवलपमेंट टाइम भी कम लगता है क्योंकि छोटा मॉड्यूल होता है और एड ऑन करके हम बना सकते हैं, और रीयूजबिलिटी कंपोनेंट की चलती रहती है कि जहाँ ज़रूरत पड़ गई वैसे कंपोनेंट की. एक बायोमेट्रिक बनाया आपने और अटेंडेंस कितनी जगह पर लगती है ना बायोमेट्रिक से, तो आपको मॉड्यूल एक ही बार बनाना पड़ा और वो रीयूजबिलिटी भी होता गया, और इनिशियल रिव्यूज़ भी आपको मिलते गए, जहाँ लगाया वहाँ से एक अच्छे रिव्यू मिले और कस्टमर की फीडबैक अच्छी मिल सकती है आपको उससे. जैसे वहाँ के एम्प्लॉयज़ की फीडबैक अच्छी मिलती गई तो आप उसको अपनी लाइब्रेरी में स्टोर करके रख सकते हो कि ये हमारा मॉड्यूल वहाँ पे भी चल रहा है ऑलरेडी. और अगर किसी दूसरी कंपनी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये चीज़ लगवानी होगी तो फिर वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सकता है अगर आपकी रेटिंग डे बाई डे उस मॉड्यूल की बढ़ती जाए. इसलिए डेवलपमेंट टाइम कम हो जाएगा जब रीयूजबिलिटी होगी, ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है. लेकिन ये मिनी प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ होता है, ये याद रखिएगा, सिंगल मॉड्यूल के लिए. और डिसएडवांटेजेस भी क्या हैं कि डिपेंड ऑन द स्ट्रॉन्ग टीम एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आइडेंटिफाइंग द बिजनेस रिक्वायरमेंट. आपको पहले तो एक स्ट्रॉन्ग टीम पर डिपेंड रहना पड़ता है क्योंकि वो मॉड्यूल आप एक रिस्क फैक्टर पर नहीं चला सकते कि मॉडुलराइज्ड करके हम उसको पकड़ा दें, आप उस पर नहीं चला सकते. आपको ऐसी स्किल वाला बंदा चाहिए जो कि दूसरी जगह पे भी चलना हो तो चाहे कोडिंग सेम हो लेकिन उनका एनवायरनमेंट अगर डिफरेंट है तो थोड़ा सा चेंजेस भी करनी पड़ सकती हैं थोड़ी सी मॉड्यूल में. हाईली स्किल्ड चाहिए डेवलपर जो डिज़ाइन करे, हाईली स्किल होना चाहिए क्योंकि रैपिड है तो जल्दी से बनना चाहिए. ये इसकी एक डिसएडवांटेज भी हो जाती है कि अगर स्किल्ड पर्सन नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते. मॉडलिंग स्किल्स में इनकी हर तरह का प्लेटफॉर्म अगर अडॉप्ट कर पाए मॉड्यूल तो उसकी भी आपको स्किल्स होनी चाहिए. अब मान लो कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, आपकी टीम में मेंबर्स ही अच्छी स्किल्स वाले नहीं हैं तो आप भी वर्क नहीं ना कर पाओगे, और आपका फिर एम्फेसाइज बन जाएगा कि हम मार्केट से ही किसी अकेडमी को ज्वाइन कर लेते हैं और वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट हमें मिल जाएगा बना बनाया मॉड्यूल हम उठा के तो दिखा देंगे. बट आपकी स्किल डेवलपमेंट कोई नहीं हुई तो फिर इन फ्यूचर भी आप कोई भी रैपिड एसेस डेवलपमेंट वाला कोई भी मॉडल, अगर छोटा सा मॉड्यूल भी कोई बनवाने आएगा तो आप नहीं बना पाओगे. सो स्किल होनी सबसे ज़रूरी है इसमें, क्योंकि छोटे छोटे मॉड्यूल्स का काम बहुत कम होता है और उसमें वेंडर्स को पैसे भी बहुत अच्छे से मिल जाते हैं मार्केट में. सो प्रोजेक्ट जैसे बनवाते हो आप किसी से या अकेडमीज जो चलाते हैं तो आप देखते हो उनकी फ़ीस का क्राइटेरिया, तो मॉड्यूल तो एक ही होता है ना, क्राइटेरिया उन्होंने एक ही दिखाना होता है, बस डेवलपमेंट डिफरेंट डिफरेंट करके आप लोगों से पैसे वो भी ले लेते हैं, वेंडर्स भी लेते हैं ऐसे ही पैसे. सो ये एक डिसएडवांटेज बन जाती है फिर कि अगर आपके पास है नहीं, और मॉडलिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती, चीपर प्रोजेक्ट भी बन जाते हैं कई बार उसमें जिसमें कोई रिलेशनशिप ही ना दिखे हमें, और सेम मॉड्यूल हर जगह चलाता जाओ. मान लो होटल मैनेजमेंट है, लर्निंग मैनेजमेंट है, ऑफिस ऑटोमेशन है, कॉलेज का है, स्कूल का है, वो कहे कि एक ही तो मॉड्यूल है और सब में वो वही चला दे तो आप फ्रंट एंड चेंज करके वही चलाते जाओगे तो वो एक चीपर चीज़ भी बन जाती है और वो गलत होती है फिर. और इसकी यूजेज अब देख लेते हैं कहाँ होनी है. रैड का जो बेसिकली यूजेज है वो आप सिस्टम को मॉडुलराइज करो 2-3 मंथ्स ऑफ टाइम में, मतलब 2-3 मंथ्स टोटल मिलेंगे जैसे कि स्टूडेंट की लाइफ में उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए मिलते हैं, उसमें इस स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है. सेकेंड देखिए, जब यूज़ करो तो बजट में रह के यूज़ करो ताकि जो कोड जनरेट हो, जो टूल जनरेट हो, वो एक सिंगल बजट में रह के और SDLC के फेसेस को, रिसोर्सेज को माइंड में जब आपको रखने के लिए बोला गया हो और शॉर्टर स्पैन टाइम दिया गया हो
तो तब आप इनके साथ कर सकते हो। जैसे कि PHP, ASP.NET में काफ़ी सारे टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज़ करके भी अपना प्रोजेक्ट जो है वो बना सकते हो। सो द शॉर्टर टाइम पीरियड फॉर द 2-3 मंथ्स, जब आपने टाइम टू टाइम सिनॉप्सिस भी दिखाना है और आफ्टर दैट प्रोजेक्ट रिपोर्ट दिखाने से पहले पहले सारी डिज़ाइनिंग भी दिखानी होती है, तो 2-3 मंथ्स के स्पैन में ये आपको रैपिड असेस डेवलपमेंट मॉडल वाली स्किल्स अगर होंगी तो आपका इंश्योर प्रोजेक्ट जो है वो बहुत बेटर बनेगा। और अगर नहीं है तो जो इसकी डिसएडवांटेजेस आपको अभी दिखी हैं, तो फिर आप में भी हैं अगर वो डिसएडवांटेजेस, और जिस वेंडर से आप कांटेक्ट में हो उसमें भी हैं, तो फिर आप ये यूज़ नहीं कर सकते। सो इसके यूजेज का भी ध्यान रखिएगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी। सो ये हमारा रैपिड असेस डेवलपमेंट मॉडल हो गया है। होपफुली कि ये अगर स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट वाले इसको सब्सक्राइब किए हुए हो चैनल को, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और जो कुछ नया सीख रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन पुटअप कर देता है, तब भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल एज पर द शेड्यूल बाय टुमारो अपलोड कर दिया जाएगा। एंड इफ़ यू फील दैट दैट चैनल इज़ वेरी हेल्पफुल, काइंडली पूरी वीडियो देखिए और पूरा असेस लीजिए इसका, और सब्सक्राइब कीजिए, मल्टीपल लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों की भी हेल्प हो पाए, उन्हें भी ऑन टाइम हर इस चैनल की वीडियो मिल पाए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।